जीके क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 1। सो कैसे हैं आप सब? फाइन, वेरी गुड। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अवर न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 एट पेज नंबर 6। द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज एनिमल होम। इन दिस चैप्टर we will learn about the homes of different animals. Students, जैसे हम human beings अपने खुद के house में रहते हैं, वैसे ही animals के पास भी अपना खुद का house होता है और वो अपने house में रहते हैं. So let's learn about the homes of different animals and let's start with the chapter. Write the name of these animals, then match them with their home. So number one is, which is this animal? Lion. What is the name of this animal? Lion. So write here, lion. L-I-O-N. लायन। आप सबको पता है लायन कहाँ पे रहते हैं? डू यू नो वेयर डस लायन लिव? लायन लिव्स इन डेन। आप सब कार्टून्स तो देखते होंगे, राइट? तो आपको पता होगा कि लायंस ऐसे एक गुफा में रहते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेन। लायन लिव्स इन डेन। हमें क्या करना है? इन दोनों को मैच करना है। सो राइट हियर सी। नंबर टू, ये किसका पिक्चर है? बर्ड। सो राइट हियर बर्ड, बी आई आर डी बर्ड। सो वेयर डू बर्ड्स लिव? बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट। आपने देखा होगा ना, ट्री पे ऐसे नेस्ट होगा और उसमें कौन रहता है? बर्ड्स। सो राइट हियर नंबर एफ। नेक्स्ट इज नंबर 3। ये कौन सा एनिमल है? हॉर्स। कौन सा एनिमल है ये? हॉर्स। So write here horse, H O R S E horse. So आपको पता है horse कहाँ पे रहते हैं? Where do horse live? Horse lives in stable. ऐसा जो house होता है वो हम human beings ऐसे animals के लिए shelter के लिए बनाते हैं, ताकि वो सब भी अपने हाउस में रह सके। एनिमल्स तो अपना खुद का हाउस नहीं बना सकते, राइट? इसलिए हम इंसान एनिमल्स के लिए ऐसे हाउस बनाते हैं, राइट? सो वेयर डू हॉर्स लिव? हॉर्स लिव्स इन स्टेबल। कौन सा ऑप्शन है? ए। तो हम क्या लिखेंगे इधर? ए। लिखा सबने? वेरी गुड। नाउ नंबर 4, विच इज दिस एनिमल? रैबिट। कौन सा एनिमल है ये? रैबिट। सो राइट हियर रैबिट, आर ए डबल बी आई टी रैबिट। रैबिट कहाँ पे रहते हैं? वेयर डू रैबिट लिव? रैबिट लिव्स इन ब्यूरो। ऐसे ग्राउंड के अंदर वो ऐसे होल बनाते हैं बड़ा सा, और वो वहां पे रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूरो। रैबिट लिव्स इन ब्यूरो। कौन से ऑप्शन में है ये? ई। सो व्हाट वी विल राइट हियर? नेक्स्ट इज नंबर 5, विच इज दिस बर्ड?
आउल क्या बोलते हैं इसे? आउल हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, याद है आपको? वेरी गुड, राइट हियर आउल. ओ डब्ल्यू एल आउल. आउल कहाँ पे रहते हैं? मैंने आपको सिखाया था, याद है? आउल लिव्स इन होल. ट्री में ऐसे होल बना के वो अंदर रहते हैं. आउल लिव्स इन होल, राइट हियर बी. नेक्स्ट इज नंबर 6. कौन सा एनिमल है ये? डॉग, राइट हियर डॉग. डी ओ जी डॉग लिखा सबने, वेरी गुड. सो डॉग कहाँ पे रहते हैं? जैसे कि मैंने बताया हॉर्स के लिए हम हाउस बनाते हैं, वैसे डॉग्स के लिए भी हम ह्यूमन बींग्स एक हाउस बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैनल. वेयर डू डॉग लिव्स? इन कैनल, राइट हियर डी. ओके सो लिखा सबने, ओवर हो गया सबका, कंप्लीट हो गया, वेरी गुड. और अगर नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है? नाउ कम एट पेज नंबर 7. आवर पेज नंबर 7 इज रिविजन एक्सरसाइज नंबर 1. इसमें हमें जो 1 to 5 लेसन हमने पढ़े उसका रिविजन पूछा गया है, तो आपको क्या करना है? ये अपने घर पे कंप्लीट करना है. ओके सो टर्न योर पेज. पेज नंबर 8 पे लेसन नंबर 6 दिया गया है, राइट? टेक आउट योर पेज नंबर 8, लेसन नंबर 6. हेल्दी वेजिटेबल्स. नेम ऑफ अवर चैप्टर इज हेल्दी वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स आर प्लांट्स और पार्ट ऑफ प्लांट्स वी ईट एज फूड. मैनी वेजिटेबल्स आर रूट और लीव्स ऑफ प्लांट्स. हम सब वेजिटेबल्स तो खाते ही हैं हमारी रूटीन लाइफ में, राइट? आप सब खाते हो वेजिटेबल? वेरी गुड, खाना ही चाहिए, इससे हम स्ट्रांग बनते हैं एंड इट मेक अस हेल्दी. सो इस वाले चैप्टर में हमें कई सारे वेजिटेबल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें हमें क्या करना है? राइट यू फॉर द वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, ए फॉर द वेजिटेबल्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड एंड एल फॉर लीफी वेजिटेबल्स. हमें क्या करना है? जो वेजिटेबल्स अंडर द ग्राउंड यानी कि रूट वेजिटेबल्स मीन्स अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स ईटन बाय ह्यूमन एज अ फूड. ऐसे वेजिटेबल्स जो अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं, जिसे हम ह्यूमन बींग्स रूट्स के नाम से खाते हैं, उसे हम रूट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रूट्स. जैसे कि कैरेट एंड रेडिश, वो एक अंडरग्राउंड प्लांट्स है जो हम हर रोज खाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज ए. ए मतलब कि वेजिटेबल विच ग्रो अबव द ग्राउंड. ऐसे वेजिटेबल्स जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. आप सबने शायद पढ़ा ही होगा ही साइंस में. ओके एंड थर्ड वन इज एल. एल फॉर लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल्स मीन्स पार्ट ऑफ प्लांट ईटन बाय ह्यूमन एज अ वेजिटेबल. प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं, उसे हम लीफी वेजिटेबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीफी वेजिटेबल. ओके सो फर्स्ट वन इज कैबेज. कौन सा वेजिटेबल है ये? कैबेज. तो कैबेज इज अ लीफी वेजिटेबल. क्यों? क्योंकि देखो इधर सब जगह पे लीव्स है, प्लांट के लीफ के जैसा है, राइट? सो इधर हम क्या लिखेंगे? लीफी वेजिटेबल. लीफी वेजिटेबल पूरा नहीं लिखना है हमें, उधर सिर्फ एल लिखना है. सो हमने क्या लिखा इधर?
L. नंबर टू इज रेडिश. जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेडिश एंड कैरेट है वो एक रूट है. रूट मतलब कि द प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड. सो ये अंडर द ग्राउंड वाले प्लांट्स है, वेजिटेबल्स है सॉरी. तो हम इधर क्या लिखेंगे, यू. वाई? बिकॉज इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, इसलिए हमने इधर क्या लिखा, वेरी गुड, यू. नेक्स्ट इज लेडीज फिंगर. कौन सा वेजिटेबल है ये? यस, लेडीज फिंगर. नाउ लेडीज फिंगर जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, राइट. इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, सो इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, ए. ए मतलब अबव द ग्राउंड. ओके, नाउ फोर्थ वन, ये कौन सा वेजिटेबल है? ब्रिंजल. कौन सा वेजिटेबल है ये? ब्रिंजल. ब्रिंजल इज ऑल्सो द वेजिटेबल विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, ए. क्या लिखेंगे हम, ए. वाई? बिकॉज इट ग्रोज अबव द ग्राउंड. नेक्स्ट वन इज नंबर फाइव, पीस. ये कौन सा वेजिटेबल है? पीस. वेयर डू पीस ग्रो? पीस ग्रो अबव द ग्राउंड, इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, ए. नेक्स्ट वन इज नंबर सिक्स, कौन सा वेजिटेबल है ये? पंपकिन. पंपकिन ग्रोस अबव द ग्राउंड, सो वी विल राइट हियर ए. वेरी गुड. आप सबको समझ में तो आ रहा है ना? ओके, नाउ नंबर सेवन, विच इज दिस वेजिटेबल? यस, दिस इज स्पिनेच. स्पिनेच इज अ लीफी वेजिटेबल, सो वी विल राइट हियर एल. एल मीन्स लीफी वेजिटेबल्स. नाउ नेक्स्ट, दिस इज ऑनियन. आप सबको ऑनियन पसंद है? ओ, मुझे तो नहीं पसंद है. ओके, सो ऑनियन इज, ऑनियन कहाँ पे ग्रो करते हैं? यस, इट इज अ टाइप ऑफ रूट. रूट वेजिटेबल है ये, विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड. मतलब हम इधर क्या लिखेंगे, यू. वेरी गुड. नाउ नंबर नाइन, विच इज दिस वेजिटेबल? कॉलीफ्लावर. क्या है ये? कॉलीफ्लावर. इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, ए. वेरी गुड. आप सबको तो आ गया है ना अभी? वेरी गुड. नाउ नंबर टेन, विच इज दिस वेजिटेबल? बॉटल गॉर्ड. क्या बोलते हैं हम इसे? बॉटल गॉर्ड. बॉटल गॉर्ड ग्रोज अबव द ग्राउंड. कहाँ ग्रो करते हैं? अबव द ग्राउंड, सो राइट हियर ए. नेक्स्ट वन इज नंबर इलेवन, व्हाट इज दिस वेजिटेबल? कोरिएंडर. क्या बोलते हैं इसे? कोरिएंडर. इट इज अ लीफी वेजिटेबल, सो वी विल राइट हियर एल. वेरी गुड. नाउ नंबर ट्वेल्व, लास्ट वन, ये कौन सा वेजिटेबल है? कैरेट. वेरी गुड. विच इज दिस वेजिटेबल? कैरेट. कैरेट इज अ रूट वेजिटेबल विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड, इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, यू. आप सबने कंप्लीट कर लिया मेरे साथ?